नमस्कार, सुयस के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शेखर पारिक। हमारा संकल्प जन जन का सम्मान, राजस्थान के सभी वर्गों का हो उत्थान। अंत्योदय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न जिलों में लगाए गए शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आम जन को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिला रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ आत्मीय संवाद स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर घर तक पहुंचे और इसका लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले, यही हमारी सरकार का उद्देश्य है। मोदी जी की गारंटी गाड़ी आपके गांव में आई है, इसमें गारंटियां हैं। यह शिविर किस लिए लगाए जा रहे हैं? यह शिविर इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जो 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं उनकी समीक्षा हो, उनमें देखा जाए कि हमारे उस अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को, क्योंकि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंत्योदय अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको लाभ मिला या नहीं मिला, इसके बारे में इस मोदी की गारंटी गाड़ी से उसकी समीक्षा होने वाली है, समीक्षा हो रही है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज प्रस्तुत है उन लाभार्थियों की कहानी जिन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिनसे उनके जीवन जीने की राह और सुगम हुई है। मेरे गांव का नाम दीनपुर, मेरे संघों का नाम जैन, संगठन का नाम जैसी किराड़ी, मेरे सेल्फ का नाम जेपी, उसमें मैं अध्यक्ष, संघों में अध्यक्ष, संगठन में अध्यक्ष। हमारा बहुत लाभ है। जैसे पहली छोटी दुकान है किराने की, अब हमारे दुकान भी बन गए। मैं तो कहती हूँ सबको, सब समूह में जुड़े हुए सिर्फ आगे बढ़ो, खूब लाभ लो सरकारी योजना। और मेरे गांव का नाम करोगे मास सिंह है, और मेरे समूह का नाम महिला शक्तिकरण है, और मेरे ग्राम संगठन का नाम नागना राय है। और यहां पर हमारे समूह में हर महिलाओं को जागरूक किया जाता है, और हर महिला घर बैठी कोई काम ना कर सके, इसीलिए हमें समूह घर घर खोला है। तो हमारे समूह की ओर से सभी महिलाओं को सहायता मिल रही है। तो एक समूह में हमें 15,000 की राशि मिल चुकी है, और T1 की राशि हमें 75,000 की मिल चुकी है, और बैंक की तरफ से हमें 10 लाख का लोन मिल चुका है। और महिलाओं को घर बैठे पापड़ है, बड़ी है तो घर बैठे काम खोल सके, इसलिए महिला भारतीय के घर में जागरूक हो सके, इसलिए सब महिलाओं को हम जोड़ा गया है। तो समूह में सभी से ज्यादा हमें लाभ मिला है। तो थैंक यू। मैं कल्पना शाह, मैंने PMY योजना के तहत 5,000 रुपए प्राप्त किए, जिससे मैंने खाने पीने की चीज में उपयोग किया। यह योजना बहुत अच्छी थी। मैं भी एक किसान हूँ, गांव दूधकोट है, बेड़ा पंचायत में किसान जो सम्मान योजना मिलती है ना, उसमें हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं, 4 महीने में 2,000 रुपये मिलता है। मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रजापत गाँव जालरा कल्ला ग्राम पंचायत जालरा दुर्द है, और मेरे 2,000 रुपये की किस्त मेरे को मिल रही है, और मेरे को पक्का घर भी मिला है, और पहले कच्चे घर में रहता था और अभी पक्का मिल गया है। बहुत अच्छी काम है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं जालरा कल्ला से वसनाराम निवासी बोल रहा हूँ। मुझे जल जीवन मीठा पानी धर्मधार का आ रहा है, और मैं फिर मेरा नाम गोविंद माली है, मेरे पिताजी का नाम रामलाल माली है, और मुझे 12,000 रुपये शौचालय के प्राप्त हो चुके हैं। पहले मेरे शौचालय नहीं, दरवाजा घर पर ही शौचालय जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मोदी जी का धन्यवाद। आज के विशेष बुलेटिन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।